सत्य न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पवित्र महापर्व विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार शाम गोरक्षपीठाधीशवर की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा आस्था के उमंग तरंग की लहरों पर सवार होकर निकली। शोभा यात्रा में रास्ते भर होती रही पुष्प वर्षा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाले सुगंध बिखेर रही थी। गोरक्षपीठाधीशवर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस शोभा यात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह से स्वागत कर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया। फूलों से सजे रथ पर गोरखनाथ मंदिर के महंत के पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे गोरक्षपीठाधीश्वर का मुस्लिम और सिंधी समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीठाधीश्वर योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मंगलमय जीवन की कामना की और 9 दिन तक चले नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया। नाथ संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान अद्भुत और विहंगम हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख अनुष्ठान है विजयदशमी की शोभा यात्रा। मंगलवार को इस पावन पर्व पर शाम 4:30 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोरक्षनाथ का पूजन कर और उनका आशीर्वाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुली जीप में बने रथ पर सवार हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। नाथ पंथ के विशेष वाद यंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े, डमरू व बैंड बाजे की धुन और हनुमान दल के बालकों के हैरतअंगेज करतब के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़े। पूरे रास्ते दोनों किनारे पर श्रद्धा से भाव विभोर लोग गोरक्षपीठाधीश्वर की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे थे। जैसे ही गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई वाली शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ी, मुस्लिम और बुनकर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने गोरक्षपीठाधीश्वर का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें व उनके समाज के लोगों को गोरखनाथ मंदिर के नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस प्रसाद को माथे से लगाकर गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति कृतज्ञता जताई। इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ बने मकानों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं व बच्चे अपने स्मार्टफोन में योगी की तस्वीर खींचते रहे। चौधरी कैफुलवरा ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ मत मजहब के विभेद से परे सभी को मानव मात्र के नजरिए से देखता है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर का रथ आगे बढ़ा तो निर्माणाधीन श्री झूलेलाल मंदिर के समीप बड़ी संख्या में मौजूद सिंधी समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका व शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मानसरोवर मंदिर तक पूरे रास्ते में शोभा यात्रा के स्वागत का सिलसिला चलता रहा। गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वागत को लेकर लोगों के उत्साह और उत्सुकता आकाश छू रही थी। जय श्री राम के जय घोष और तमाम वाद्य यंत्रों के धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर योगी की विजय शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची। यहाँ गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की, महादेव का अभिषेक भी किया। सुरक्षा के दृष्टिगत जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा,
वर्ष के बाद ये गोरक्षपीठ की परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार हर वर्ष के बाद ये शोभा यात्रा 9 दिन नवरात्रों के बाद विजयादशमी को निकलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, इसलिए ये यात्रा का थोड़ा और स्वरूप बढ़ा हो गया है, लोगों में उत्साह है। आज बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये शोभा यात्रा मानसरोवर तक जाएगी और वहाँ मानसरोवर पर जाने के बाद रामलीला मैदान में भगवान राम को राज तिलक के बाद उनके संबोधन के बाद ये शोभा यात्रा